नीट परीक्षा परिणाम को लेकर स्टूडेंट में बेहद नाराजगी, लगाए जा रहे हैं धांधली के आरोप। एक ही क्रम से बैठे बच्चों को नीट ने बना दिया टॉपर, तो कई स्टूडेंट्स पर कर दी नंबरों की बारिश। 99% का आंकड़ा छू रहे कई स्टूडेंट। पहले 14 जून को जारी होना था रिजल्ट, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों के शोरगुल के बीच ही जारी कर दिया गया नीट का रिजल्ट। स्टूडेंट्स बोले, हमारे जीवन में करियर का बड़ा संकट। क्या बच्चों की पढ़ाई का अब कोई मोल नहीं रह गया? क्या अब अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात एक करना बेकार है? ये प्रश्न यूं ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे वजह नीट परीक्षा के परिणाम है। अब ऐसा क्यों, ये समझने के लिए आपको आगे की खबर समझनी होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है कि नीट का रिजल्ट तो आया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट लोकसभा चुनाव के परिणाम के समय आया। उस समय लोकसभा चुनाव के परिणाम का इतना शोर मचा कि नीट का रिजल्ट कब आया और कब चला गया, ये किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दरअसल इसी 4 जून 2024 को जहां एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तरफ तकतकी लगाए देख रहा था, उसी बीच नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक नीट 2024 यूजी रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से ही रिजल्ट 4 जून की शाम को ही जारी कर दिया और सभी को हैरान कर दिया। और फिर देर रात तक नीट 2024 यूजी रिजल्ट का पीडीएफ भी वेबसाइट पर अपलोड कर परिणाम साफ तौर पर जारी कर दिया। लेकिन यही परीक्षा परिणाम अब सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक इसी साल 24,60,069 स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उनमें से 23,33,297 ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें से 13,16,268 स्टूडेंट्स उसमें सफल हुए। इस साल नीट यूजी कट ऑफ काफी ऊंचा रहा। इसके बाद भी 67 स्टूडेंट्स को 99.99712 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। बस यहीं से इन परीक्षा परिणामों के रिजल्ट पर सवाल उठना शुरू हो गया। इसलिए इस समय सोशल मीडिया पर नीट यूजी 2024 रिजल्ट ट्रेंड कर रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स नीट यूजी 2024 रिजल्ट को स्कैम मान रहे हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाने की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल नीट परीक्षार्थी 2024 को पीडीएफ एनटीए की वेबसाइट exam.nta.ac.in/neet पर 4 जून को देर शाम अपलोड किया गया था। नीट रिजल्ट 2024 पीडीएफ जारी होने के बाद से उसकी एक फोटो एक्स यानी ट्विटर पर वायरल होने लगी। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पीडीएफ में एक खास चीज पर अपना दिमाग लगाया। इसे देखने के बाद से स्टूडेंट और नीट एक्सपर्ट्स भड़क गए। इस फोटो के वायरल होने के बाद से लोग नीट यूजी 2024 रिजल्ट में स्कैम यानी फ्रॉड होने की आशंका जता रहे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस समय नीट 2024 टॉपर लिस्ट की फोटो शेयर की जा रही है। इसमें आप सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक देख सकते हैं। उनके नाम भले अलग अलग हों, लेकिन नंबर एक जैसे, यानी कहा जा सकता है कि यहाँ या नकल हुई है या फिर उत्तर चेक करने में धांधली। इसीलिए इस समय नीट यूजी 2024 के रिजल्ट के साथ गड़बड़ी होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो नीट रोल नंबर सीरीज है वो एक जैसी है। ये सभी रोल नंबर एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर से हैं। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के नाम के साथ सरनेम नहीं लगा हुआ नजर आ रहा है। 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक, अन्य दो को 719 718 अंक मिले हैं। अब ऐसा कैसे हुआ ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल आप इन परीक्षा परिणामों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।